आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई है। हरियाणा चुनाव के बीच ही जेल से बाहर आ गया है राम रहीम। रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया है एक बार फिर से राम रहीम। राम रहीम को 20 दिन की पैरोल मिली है। जानकारी है कि यूपी के बागपत के एक आश्रम में 20 दिन तक यहीं राम रहीम रहेगा। 20 साल की जेल की सजा काट रहा है राम रहीम, लेकिन बार बार मिलने वाली पैरोल सवालों के घेरे में खड़ा करती है। पिछले 4 साल में 15 बार पैरोल राम रहीम को मिली है। हालांकि पैरोल जरूर मिल गई, लेकिन चुनाव प्रचार से दूर रहने की हिदायत भी कोर्ट ने दी है। ऐसे में रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आकर राम रहीम अब यूपी के बागपत में 20 दिन रहने वाला है। बागपत के एक आश्रम में राम रहीम रहेगा। 4 साल में 15 बार पैरोल मिलना, ये बार बार सवाल भी उठाता है। हरियाणा चुनाव के बीच में क्या चुनाव प्रभावित होंगे, क्या ये वोट बैंक के लिए किया गया है, ऐसे कई सवाल लगातार उठते रहे हैं। और अब जब 20 दिन की पैरोल रहेगी तो यूपी के बागपत में आश्रम में रहेगा। दिनेश कौशिक रोहतक से इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता। दिनेश, एक बार फिर से 20 दिन की पैरोल मिल गई है राम रहीम को? हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस द्वारा ये आपत्ति जताई गई थी और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार इसका फायदा लेने के लिए ठीक चुनाव के बीच में गुरमीत राम रहीम को पैरोल दे रही है। ये भी बताया जा रहा है कि करीबन हरियाणा की 32 सीटों पर इसका असर देखा जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी इसका फायदा उठाएगी और गुरमीत राम रहीम को पैरोल देगी। हाल ही में 21 दिन की पैरोल काटकर 4 सितंबर को गुरमीत राम रहीम सुनारिया जेल वापस लौटे थे और अचानक से फिर से 20 दिन की पैरोल देना संदेह के घेरे में है कांग्रेस के अनुसार। और ऐसे में शर्त ये लगाई गई है चुनाव आयोग द्वारा कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं होंगी, कोई जनसभा नहीं करेंगे या फिर चुनाव को लेकर कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। यदि चुनाव का जो है उल्लंघन करते हुए पाया गया आचार संहिता का, तो इस बेल को जो है तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और सुनारिया जेल में वापस राम रहीम को आना पड़ेगा। देखिए 2 दिन से ही ये चर्चाएं चली हुई थी और देर रात सुनारिया जेल में आदेश पहुंचे हैं और आज सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास भारी सुरक्षा के बीच में गुरमीत राम रहीम को ले जाया जा रहा है। तो कांग्रेस बार बार यही कहती रही है कि एक आम कैदी को इतनी बेल नहीं मिलती है तो गुरमीत राम रहीम को कैसे मिल जाती है, वो भी चुनाव के ठीक मद्देनजर, क्योंकि वोटिंग 5 तारीख को यहां पर होनी है और ऐसे में गुरमीत राम रहीम का बाहर आना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति यहाँ पर चल रही है। वही बीजेपी नेताओं का कहना है कि जेल नियमों के अनुसार ही गुरमीत राम रहीम को पैरोल या पर्मिट मिलती है। जी आपने कहा कि यहाँ वार पलटवार चल रहा है, किसको फायदा मिलेगा किसका नुकसान होगा ये 8 तारीख को साफ हो जाएगा। यूपी के बागपत को ही क्यों चुना गया, बागपत के आश्रम में 20 दिन क्या कोई आयोजन, क्या कोई कार्यक्रम है बाबा का? बिल्कुल, देखिए हरियाणा चुनाव आयोग ने शर्त रखी थी कि गुरमीत राम रहीम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। साथ में ये शर्त भी रखी गई थी कि गुरमीत राम रहीम इन 20 दिनों में हरियाणा भी नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर चुनाव है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शर्त जरूर लगाई गई है और जेल नियमों के अनुसार ही उन्हें पैरोल दी गई है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो इसलिए सवाल उठा रही है क्योंकि ठीक वोटिंग से पहले गुरमीत राम रहीम का बाहर आना संदेह के घेरे में, और दूसरा हरियाणा में काफी पकड़ है और 32 सीटों पर उनकी पकड़ है। यदि हम आपकी बात करें तो 11 बार गुरमीत राम रहीम सुनारिया जेल से बाहर आए हैं। अब जिस तरीके से पैरोल पर बार बार बाहर आता है राम रहीम, ऐसे में सवाल बहुत से हैं। सवाल कांग्रेस पूछ रही है, कह रही है कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए है 20 दिन यूपी के बागपत में रहने का कार्यक्रम। बहुत शुक्रिया दिनेश कौशिक आपका, ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों